परमेश्वर के साथ मिलके आने के लिए परमेश्वर एक अच्छा अवसर खोल के दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों में परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह अधिक अधिक हमारे जीवन में काम करने पर आज भी हम जीवित बनकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर अच्छा अवसर खोल रहे हैं, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हम लोग पिछले दिनों से परमेश्वर के वचन से कलीसिया के बारे में हम लोग सीख रहे थे, कलीसिया के बारे में हम लोग देख रहे थे। कलीसिया का फाउंडेशन यीशु मसीह के ऊपर आधारित है बोलकर हम लोग देख रहे थे। आज भी उसी चीज़ को हम देखेंगे, कलीसिया की फाउंडेशन किस तरीके से बनाया गया, किस मजबूती से रहा है, उस चीज़ के बारे में आज हम सुबह भी देखेंगे। आज के मनन के लिए पहली पत्रस उसकी दूसरी अध्याय उसकी 4 से लेकर 6 वचन तक, फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 verse 4-6। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यस आमेन। उसके बाद आमेन। आमेन। उसके बाद हाँ प्रेज द लॉर्ड। वहाँ पे बताया गया, पर वचनों में देख सकते हैं जीवित पत्थर के बारे में बताया गया है। जो जीवित पत्थर है वो जीवित पत्थर को लोग ने क्या कर दिया, फेंक दिया, जरूरत नहीं बोल दिया, रिजेक्ट कर दिया। उसको परमेश्वर क्या किए, परमेश्वर की दृष्टि में उस जीवन की पत्थर क्या हुआ, श्रेष्ठ बन गया। हेलो, हम लोग एक जमाने में कैसे थे, किसी की जरूरत ना रहने वाली पत्थरों के समान थे, मगर परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया, जीवित पत्थर बना के रख दिया, और परमेश्वर की आत्मिक गृह को बनाने के लिए, नहीं तो परमेश्वर की आत्मिक कलीसिया को बनाने के लिए, नहीं तो पवित्र लोगों की झुंड के अंदर हमें मिलावट लेने के लिए, नहीं तो क्या बोलते हैं स्पिरिचुअल हाउस में एडअप करने के लिए, परमेश्वर क्या किए, हमें जीवित पत्थर बनाए, लिविंग स्टोन्स। हेलो, क्यों, ताकि हमें परमेश्वर यीशु मसीह का पसंदीदा आदमी बनने के हिसाब से परमेश्वर हमको क्या किए, चुन लिए। बिकॉज गॉड चोज अस टू मेक अस प्लीजिंग बिफोर गॉड। हेलो, परमेश्वर की मंदिर आत्मिक है, परमेश्वर के हाथ से बनाया हुआ मंदिर आत्मिक चीज है। उस आत्मिक मंदिर में जो व्यक्तियां सदस्य बन के आते हैं वो लोग आत्मिक बनना जरूरी है, वो परमेश्वर का इच्छा है। इट्स अ विल ऑफ गॉड फॉर मेकिंग पीपल स्पिरिचुअल। इसीलिए हमें क्या किया गया, जीवित पत्थर यीशु मसीह के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर हमें क्या किया, अल्टीमेटली रख दिया गया। वी हैव बीन केप्ट अल्टीमेटली ऑन द लिविंग स्टोन। जीवित पत्थर कौन है, यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह को जीवित पत्थर होने के कारण हमें क्या किया गया, कलीसिया में योगदान दिलवाया गया। प्रेज़ लॉर्ड। उस जीवित पत्थर यीशु मसीह होने के कारण हमें कलीसिया के फाउंडेशन में क्या कर दिया गया, भाग्यवान करवा दिया, नहीं तो मिलाया दिया गया। इसलिए वहां पे बताया गया है, जो उसकी 6वां वचन में क्या बताया, देखो हाँ, बहुमूल्य पत्थर भरता हूं। आमेन। जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करेगा वो किसी भी रीति से क्या नहीं होगा, लज्जित नहीं होगा। इसीलिए परमेश्वर हमें कलीसिया में भी योगदान करने के लिए हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना जरूरत पड़ा। इसीलिए परमेश्वर क्या किए, उस चीफ कॉर्नरस्टोन के साथ हमें भी जुड़ित करवा दिया, उस मेन पत्थर के साथ, उस जीवित पत्थर के साथ, उस श्रेष्ठ पत्थर के साथ परमेश्वर हमें भी क्या कर दिया, मिलाकर क्या कर दिया, परमेश्वर की कलीसिया की बिल्डिंग को बनाया।
ही मेड द बिल्डिंग पक्का। कैसे? हमें मिलाकर। इसीलिए पत्थर पौलुस कहता है उस जीवित पत्थर पर आश्रय करो। उसके लिए उसकी दूसरी वचन में दूसरी अध्याय में पत्रस क्या कर रहा है? नए बच्चों के बारे में बता रहा है। नहीं तो आत्मिक रीति से नए नई 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 परमेश्वर के निकट आने वाले लोगों को बताया गया, तुम परमेश्वर के सामने निकट तुम बच्चे हो, नए तरीके से आए हो, मगर तुम्हें क्या करना चाहिए? कलीसिया का आत्मिक पत्थरों के हिसाब से बदलाव लाना चाहिए, जरूरत है। अगर पत्थर आत्मिक रीति से मजबूत नहीं बने रहेगा तो कलीसिया कभी टिक नहीं सकेगी। इसलिए हमें कैसी पत्थर बननी है? जीवन वाली पत्थर, लिविंग स्टोन्स। हर बिल्डिंग की बनावट, हर घर की बनावट पत्थरों से होती है, मगर वो पत्थर क्या है? निर्जीव वाला पत्थर है। मगर कलीसिया की अंदर की जो पत्थर है वो निर्जीव वाला नहीं, जीवन वाला पत्थर है। इट्स अ लिविंग स्टोन। हर कोई घर बनाते वक्त निर्जीव पत्थर यूज करते वक्त, हमारा परमेश्वर निर्जीव पत्थर वाला, हमें परमेश्वर ने क्या किया? जीवित पत्थर के साथ जुड़ित करके हमें जीवित जीवित पत्थर के साथ मिलाया। इसीलिए हम भी जीवन वाले पत्थर बन गए। वी बिकेम द लिविंग स्टोन। परमेश्वर कॉर्नर स्टोन बन गए, हम एडिंग स्टोन बन गए। मिलने वाली मिलावट वाली पत्थर, मिलाने वाली पत्थर। एक पत्थर दूसरे पत्थर से मिलता नहीं था, मगर यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलाने के जैसा परमेश्वर हमें कलीसिया के अंदर योग्य बन दिया। इसीलिए फाउंडेशन पक्का है। इसलिए हम लोग क्या है? चलते चलने वाला मंदिर है, वॉकिंग टेम्पल। हम लोग कौन है? वॉकिंग टेम्पल, वॉकिंग चर्च। जीवन वाला पत्थर से बना है, इसीलिए जीवन लोग, जीवन प्राप्त लोग उसे कलीसिया के अंदर है। इसीलिए उसका पत्थर भी जीवन वाला पत्थर है। जब घर बनाते हैं, घर बनाने वक्त, घर बनावट की शुरुआत होने से पहले क्या करते हैं वो लोग? पहले एक कॉर्नर को लेकर कॉर्नर से शुरुआत करते हैं, हाँ या ना? एक कॉर्नर में दो पत्थर मिलाकर क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं, आया ना? जो कोई भी धर्म के लोग देखो, वो लोग घर बनाने से पहले वो लोग क्या करेंगे? पहले दो कॉर्नर को मिलाएंगे। विश्वासी लोग भी मिलाएंगे, अन्य जाति लोग भी मिलाएंगे। अन्य जाति के लोग मंत्र तंत्र कर मिलाने की कोशिश करते हैं, मगर विश्वासी लोग क्या करते हैं? प्रार्थना कर क्या करते हैं? मिलाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए वो कॉर्नर स्टोन के साथ दो, जब दो पत्थर मिल जाते हैं तब वो कॉर्नर बन जाता है। इट्स कॉर्नर स्टोन। उस कॉर्नर स्टोन को बनाते 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 जीवित पत्थर बनाकर परमेश्वर हमें रखे हैं। हमें परमेश्वर की आत्मिक गृह के अंदर आत्मिक परमेश्वर के सदस्य बनाकर परमेश्वर हमें क्या किया? जीवित पत्थर बनाकर मसीहत में रखा है हमें। वो है परमेश्वर की कलीसिया की बनावट, वो है कलीसिया की फाउंडेशन। इसलिए पत्रस उसे चीज के बारे में अच्छी तरीके से बोल रहा है। क्यों? यीशु मसीह को उसके उसके सामने क्या किए? एक बात बोले थे, ये मत्ती लिखित सुसमाचार 16 अध्याय के 18वां वचन में पत्रस को समझ में आ गया कि पत्रस पत्थर है। पत्रस के ऊपर नहीं परमेश्वर कलीसिया को बनाया, यीशु मसीह के ऊपर कलीसिया को बनाया। उस चीज के बारे में पत्रस को बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज था, इसीलिए पहली पत्रस के किताब में पत्रस उस चीज की वर्णन दे रहा है। अगर कलीसिया पत्रस के ऊपर बना होता वो कभी टिक नहीं सकता, मगर कलीसिया किसके ऊपर बना है? यीशु मसीह के ऊपर बना है। वो कॉर्नर की स्टोन बने हैं। वो क्या किए? दो भाग को मिलाने वाला उस व्यक्ति के हिसाब से वो स्टोन बन गए। इसीलिए हम भी उस परमेश्वर के साथ जीड़ित होने पर, हम भी उस परमेश्वर को आश्रय करने पर, हम भी परमेश्वर के निकट आश्रयवान होने पर, हमें भी परमेश्वर क्या कर दिया? जीवित पत्थर बनाया, मेड अस लिविंग स्टोन, स्पिरिचुअली एक्टिव्ड, आत्मिक तौर से बढ़ोतरी पाया हुआ हिसाब से। जियोन में बहुत सारे पत्थर थे, बहुत सारे पत्थर वहां यहां पड़े हुए थे, मगर उन पत्थरों को क्या किया नहीं? किसी ने चुना नहीं, मगर हमें 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 परमेश्वर ने क्या किया? चुना।
वो परमेश्वर की कृपा है, वो परमेश्वर की अनुग्रह है, वो परमेश्वर की दया है। दूसरों को ना चुनकर हमें चुना, परमेश्वर की कृपा। वैसा चुनाव पाने वाला हम, उस चीज को कभी भूलना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग कलीसिया के अंदर आने के बाद उन्हें चुना गया परिस्थिति को भूल जाते हैं। द वे दे वेर चोसन दे आर ट्राइंग टू फॉरगेट इट, क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हारा पुराना जिंदगी को पहचानता नहीं, याद नहीं करता। अगर करेंगे तो कभी भी हमें क्या नहीं मिलेगी, परमेश्वर के निकट आने की योग्यता नहीं मिलेगी। उसका अर्थ यह नहीं है कि हम हमारे पुराने जीवन को भूलना नहीं चाहिए। परमेश्वर हमें चूज किए, ही चोज अस। हम जब पापी थे तभी परमेश्वर हमें क्या किए, चुन लिए। इसलिए हिंदी में गाना है, यीशु ने मुझे चुन लिया है, यीशु ने मुझे चुन लिया है, इसलिए गाऊंगा, सबको बताऊंगा, यीशु ने मुझे चुन लिया है। ही चोस अस, यीशु ने हमें चुना। कब? जब हम पापी थे, जब हम अपराधी थे, जब हम किसी को जरूरत नहीं थे, उस परिस्थिति से फेंका हुआ पत्थर थे हमें। परमेश्वर ने क्या किया, जीविते पत्थर बनाकर कलीसिया का फाउंडेशन में हमें हैड अप कर दिया। तो कलीसिया कौन है? हम है। वी आर द चर्च। हेलो, हम लोग ईटा से बनाने वाला चर्च नहीं, चर्च वो निर्जीव वाले पत्थर है, मगर परमेश्वर की कलीसिया जीवन वाली पत्थर है। वो पत्थर कौन है? हम है। कैसे हम जीवन वाले पत्थर बने? जब आत्मिक ग्रह के अंदर परमेश्वर हमें ले आए, कलीसिया के अंदर हमें जब ले आए, हमें उस कलीसिया के अंदर क्या किए, बनाए। ही बिल्ट अस। इसलिए उसके पांचवा वचन में बताया गया है, हम विश्वासी कैसे थे, जीविते पत्थर। क्यों? परमेश्वर हमें आत्मिक ग्रह में बनाया, इसीलिए हम पवित्र बने, इसलिए हम याजक बने, डेडिकेटेड याजक बने। क्यों? आत्मिक सैक्रिफाइसेस देने के लिए, आत्मिक याग देने के लिए। सैक्रिफाइस को क्या बोलते हैं हिंदी में? बलिदान। आत्मिक बलिदान देने के लिए। क्यों? ताकि वो परमेश्वर के दृष्टि में प्रियमय होने के लिए, एक्सेप्टेबल होने के लिए, प्लीजिंग होने के लिए। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। ऐसा है तो कलीसिया के अंदर परमेश्वर हमें जीवते पत्थर बनाए। वेरी गुड। हमें जीवते पत्थर के साथ बनाकर आत्मिक गृह में मिलाए। क्यों? ताकि हम पवित्र बने, नंबर वन। नंबर टू, हम क्या करें, याजक बने। एक पवित्र बनना है, दूसरा याजक बनना है, तीसरा क्या करना, बलि अर्पण देना है, चौथा किसके लिए, एक्सेप्टेबल और प्लीजिंग बिफोर गॉड, परमेश्वर के सामने इच्छा पूर्वक, पसंदीदा पूर्वक हमें इन चार चीजें हिस्सामंद बनना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर हमें कलीसिया में याद करके चुन लिए। हम आत्मिक ग्रह कलीसिया के अंदर है तो हमें पवित्र बनना है, हमें अपना याजकीय धर्म करना है, हमें आत्मिक बलिदान देना जरूरी है। वो सब करने पर किसको पसंद होता है? परमेश्वर को पसंद होता है। ही इज प्लीज्ड विद द सैक्रिफाइसेस, विद द प्रीस्टहुड, विद द होली एक्टिविटीज एंड लाइफस्टाइल। हेलो, वो है कलीसिया की फाउंडेशन। इसलिए कलीसिया कभी टूट नहीं सकती। तोड़ने के लिए शैतान कितना देखने से भी, तोड़ने के लिए कितने क्या बोलते हैं, वचन के विरोधी देखने से भी कभी नहीं हो सकता। बच्चा परमेश्वर का है कलीसिया, और कलीसिया की बनावट परमेश्वर की है, और उसके अंदर जीवन वाले पत्थर मिले हैं। Praise the Lord। इसीलिए परमेश्वर की कलीसिया की बनावट बनते ही जा रही है, कभी भी उसकी रुकावट नहीं। इसीलिए भजन संगीता 118 का 22वां वचन अगर पढ़ते हैं तो देख सकते हैं, Psalms 118 verse
22 हाँ क्या वही खोने का सीरा हो गया। यहां पे यीशु मसीह के बारे में बताया गया है। एक सौ अठारहवां भजन संहिता अगर पढ़ते हैं तो देख सकते हैं क्या इस भजन संहिता का धन्यवाद की भजन संहिता है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया इसराइलियों को बचाने पर, इसराइलियों को अच्छा, इसराइलियों के जीवन में अच्छा करने पर उस समय में लिखा गया एक भजन संहिता है। वो समय में क्या बोलते हैं लोग, जो पत्थर को सब लोग छोड़ दिए थे, रिजेक्ट कर दिए थे, ये 118 भजन संहिता का सारांश क्या है जानते हो ना, इसराइली लोग युद्ध में जाते जाकर उनके जीवन में हारने वाली परिस्थितियां सामने आ गया, युद्ध में जाने वक्त उनके जीवन में हारने वाली परिस्थिति आ गया, उस परिस्थिति पर वो लोग क्या किए, परमेश्वर के ऊपर आश्रयवान होना शुरू किए। दे स्टार्टेड डिपेंडिंग अपॉन गॉड। व्हेन यू स्टार्ट डिपेंडिंग अपॉन गॉड ही नेवर लीव्स यू। अगर तेरा आश्रय परमेश्वर के ऊपर आना शुरू करता है वो कभी भी तुझे छोड़ नहीं सकता। ही कैनॉट लीव यू, ही कैनॉट फोरसेक यू, बिकॉज योर डिपेंडेंसी ही इज बीन सीन। तेरी आश्रय परमेश्वर देख रहे हैं। इसलिए इसराइली का राजा और इसराइलियों का झुंड, उनका आश्रय को परमेश्वर देखकर परमेश्वर क्या करना शुरू किए, उनको उद्धारी देना शुरू किए। इसलिए वहां पे क्या कर दिया गया, जो जो चीज जरूरत ना वाली पत्थरों को परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर के लिए बनाने के लिए, हकदार करने के लिए परमेश्वर क्या किए, यूज किए। इसीलिए क्या हुआ जानते हैं, इसराइलियों को जय मिला। इसीलिए इसराइलियों गाना गाकर बोल रहे हैं, एक जमाने में हमारे अविवेकता में, नहीं तो परमेश्वर के वचन को जानकर ना समझने पर हमने क्या किया, परमेश्वर को छोड़ दिया था। मगर जब हमारा आश्रय परमेश्वर के ऊपर आ गया, जब हमारा आश्रय यीशु मसीह के ऊपर आ गया, तो यहां पे जो 22वां वचन में यीशु मसीह के बारे में वर्णन करते हुए इस भजन संहिता को लिखने वाला बोल रहा है। तभी यीशु मसीह की वर्णन है ही नहीं थी, यीशु मसीह का शारीरिक रूप का वर्णन आया नहीं था, ये एक रेवलेशन है। हेलो हेलो, यीशु मसीह के बारे में एक रेवलेशन है। इसीलिए उनका जय घोषणा करने के कारण कौन है, परमेश्वर के ऊपर उनका आश्रय। उनके परमेश्वर के ऊपर आश्रय होने के कारण उनको परमेश्वर क्या कर दिए, जय युद्ध में भी जयवंत करवाकर खड़ा करके रख सके। इसीलिए यीशु मसीह इसराइलियों का कॉर्नरस्टोन के हिसाब से वो लोग क्या किए, एक्सेप्ट किए। इसीलिए हर जगहों में वो लोग जीत हासिल करने का मुकदमा उनके जीवन में मिला। इसलिए आज सुबह में मैं एक चीज भी बोलना चाहता हूं, हमारे जीवन में जय हासिल करना क्या है तो आश्रय करो परमेश्वर के ऊपर, उस जीवते पत्थर के साथ मिलके रहो। अलग मत हो उस पत्थर से, कभी भी अलग मत हो। अगर अलग होते हैं तो हम हार सकते हैं, मगर मिले अगर रहते हैं तो हमारी जीत कायम। वही भजन संहिता 118 में बोला गया वचन, विक्ट्री इज आवर्स। अगर जीत हमारी है तो नियुक्त रीति से मैं परमेश्वर की धन्यवाद करूंगा। इसीलिए 118 का पहले वचन क्या बोलता है, मैं परमेश्वर की धन्यवाद करूंगा क्योंकि वो मेरे लिए भला है। आई विल गिव थैंक्स टू द लॉर्ड बिकॉज ही इज गुड। क्यों क्यों, क्योंकि मेरी आश्रय परमेश्वर के ऊपर है, मैं परमेश्वर के उस कॉर्नर स्टोन के साथ जुड़ित हूं। इसीलिए आई नीड नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग। मेरी जीत के बारे में मेरे को डरने की जरूरत नहीं, मेरी भलाई के बारे में मेरे को जरूरत नहीं, मेरी कोई चीज के बारे में मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। इसलिए इसराइलिए परमेश्वर के ऊपर आश्रयवान होना शुरू किए।
आश्रय होते 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 वो लोग किसको पहचान रहे थे? यीशु मसीह को पहचान रहे थे। When you are depending upon God, you are realizing Jesus Christ. तुम्हारा आश्रय जब परमेश्वर के ऊपर आ रहा है, तब तुम्हें परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में थोड़ा 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 पहचान आने लगता है। अधिक यीशु मसीह के साथ मिलते मिलते रहते तुम्हें क्या होगा? यीशु मसीह की अधिक वर्णन मिलेगी। यू विल रिसीव अ ग्रेटर रेवलेशन अबाउट जीसस। हाँ या ना? चोर के साथ मिलेंगे तो हमें कैसे स्वभाव आएगी? चोरी करने की स्वभाव आएगी। अकाउंटेंट के साथ मिलेंगे तो कैसी स्वभाव आएगी? अकाउंटेंट की तत्व हमें सिखानी पड़ेगी। अगर जीविता पत्थर यीशु में कॉर्नर स्टोन यीशु मसीह के साथ हमारा आश्रय बनेगा, मिलाव बनेगा, तो क्या मिलेगा? यीशु मसीह का तत्व हमारे अंदर आएगा। सो इसीलिए मालूम करना, जीसस क्राइस्ट इज ए मैन ऑफ मिस्ट्री एंड रेवलेशन। यीशु मसीह रेवलेशन की और मिस्ट्री की एक भंडार है। ही इज अ ट्रेजर। अगर हम उनके ऊपर आश्रयवान होंगे तो सब कुछ भला ही होगा। उसी चीज को इसराइली क्या कर रहे हैं? अच्छी तरीके से बता रहे हैं। अभी देखेंगे यशायाह की किताब 8वीं अध्याय, द बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 8 वर्स 14-15 14-15। देखो वहां पे क्या बताएगा, ठोकर का पत्थर, ए स्टम्बलिंग स्टोन। कैसा पत्थर? ठोकर का पत्थर। ठोकर का पत्थर किसी को भी गिरा सकता है। ए स्टम्बलिंग स्टोन कैन मेक एनी वन फॉल। गाड़ी को भी गिरा सकता है, आदमी को भी गिरा सकता है। हाँ है ना? आदमी को भी गिरा सकता है, गाड़ी को भी गिरा सकता है। हेलो, यहां पे बताया गया क्या है? कैसा पत्थर? ठोकर का पत्थर, द स्टोन दैट कैन मेक यू टू फॉल, ट्रिप एंड फॉल। ये किसको बताया गया है? इसराइलियों के बारे में बताया गया है। हाँ या ना? और एक बार 14वां वचन पढ़ते हैं। किसके लिए होगा? इसराइलियों को, यरूशलेमियों को, यहूदियों को। क्या होगा वो? क्यों? क्योंकि वो लोग परमेश्वर के ऊपर आश्रयवान नहीं थे। परमेश्वर को जरूरत पर, जरूरत की पलों पर ही परमेश्वर के ऊपर क्या करने लगते थे? ये लोग आश्रयवान होना शुरू कर रहे थे। इसीलिए परमेश्वर उनको बता रहे हैं, तेरी जरूरत पर मुझे लेने की कारण से तुम्हें वो मैं कैसे दिखूंगा? ठोकर की पत्थर। उसका 15वां वचन क्या बोलता है? हेलो, वो लोग पकड़े जाएंगे, फंसेंगे। परमेश्वर को ग्रहण करके, परमेश्वर को विश्वास करके अगर परमेश्वर को छोड़ के जाएंगे, उसकी परिस्थिति ऐसी होगी। इसीलिए कभी भी यीशु मसीह को अपना स्टम्बलिंग स्टोन मत बनाओ। डोंट बी ए स्टम्बलिंग स्टोन। इसलिए बाइबल कहता है अपने भाई को विरुद्ध कभी भी क्या मत बनो, एक एक स्टम्बलिंग स्टोन मत बनो। इसलिए शैतान यीशु मसीह को परीक्षा करने के लिए आते वक्त क्या बोला? तेरे पांव पत्थर पर लगने पर भी दूतागण आएंगे, तुझे क्या करेंगे? सहायता देंगे।
है ना, वैसा बोला यीशु ने, वैसा बोला। तेरे पांव पत्थर पर लगे, वो यीशु ने कहा ना, आया ना। देखो लुका लिखित सुसमाचार उसकी दूसरी अध्याय 9-10। दसवीं वचन पढ़ने से काफी है। चार का दस। हाँ करें, उसके बाद और वे तुझे हाथों उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे, ये कौन बोल रहा है? शैतान। शैतान ने यीशु मसीह बोल रहा है। कहां से यह वचन निकाला गया है? हाँ, वचन संहिता निकाल कर देखो, वचन से भी बोल, कौन बोल रहा है? शैतान बोल रहा है। तब यीशु मसीह ने क्या बोला? उसका 12वीं वचन, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यहां भी कहा गया है तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना ले। वचन बोलकर बोल रहा है कि तुम वहां से छलांग लगा दो, और बोल रहा है कि तेरा पांव अगर पत्थर पे लग भी गया, देवता का नाका तुझे क्या करेंगे, सहायता देंगे। मगर परमेश्वर ने उसका बात क्या नहीं किया, माना नहीं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के ऊपर आधारित था, शैतान के ऊपर नहीं। परमेश्वर के ऊपर आधारित करने वाले व्यक्ति को कभी भी परमेश्वर क्या नहीं बनेंगे, ठोकर का पत्थर नहीं बनेंगे। उसको बचाने के लिए परमेश्वर के दूतगण हरदम रहेंगे। मगर इधर इसराइलियों को, इस यहूदियों को, यरूशलेमियों को क्यों पत्थर बन रहा है? क्योंकि वो लोग परमेश्वर से आश्रय छोड़कर किसके साथ रिश्ता कायम कर दिए? शैतान के साथ रिश्ता कायम कर दिए। इसीलिए यहां पे ठोकर का पत्थर बन गए। अब यशायाह की किताब 28वां अध्याय को आ जाइए। 28वां अध्याय उसका 16वां वचन, यशायाह चैप्टर 28 वर्स 16। इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सिय्योन से नींव का एक पत्थर रखा है, हाँ, एक पत्थर होने होने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वो उतावली न करेगा। देखा ना, उतावली नहीं करेगा। ये फाउंडेशन स्टोन है। क्या स्टोन है? फाउंडेशन स्टोन, द स्टोन ऑफ फाउंडेशन। इसलिए यहां पे परमेश्वर बता रहे हैं क्या, लिसन केयरफुली, बहुत जागृत रीति से सुनो, मैं सियोन का पत्थर डालने वाला हूं। ये परीक्षा किया गया पत्थर, कॉर्नर स्टोन। क्यों? फाउंडेशन बनाने के लिए। ए फर्म फाउंडेशन, फाउंडेशन स्ट्रांग होने के लिए हमारा क्या जरूरत है? विश्वास, परमेश्वर के ऊपर आश्रय। ऐसा होने से क्या नहीं होगा? यू विल नॉट बी डिस्टर्ब्ड। तुम्हें भयभीत होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तेरा फाउंडेशन फाउंडेशन स्ट्रांग है, तो कभी भी तेरे घर के बारे में तेरे की चिंता नहीं। आंधी आए, तूफाने आए, जो कुछ भी आए, बारिश आए, पानी आए, जो कुछ भी आए, नो वरीज, नो डिस्टर्बेंस एट ऑल। क्यों? परमेश्वर फाउंडेशन स्टोन बने। इसलिए अब दानियल के किताब में आओ, दूसरा अध्याय उसकी 45, द बुक ऑफ दानियल चैप्टर 2। दूसरा अध्याय उसका 45। और सोने को चूर चूर किया, इसी रीति महान परमेश्वर ने राजा को बताया।
यहां पे दानियल किसके है? राजा के सपने के बारे में विवरण दे कर बता रहा है। एक मूर्ति को देखा उसने, उस मूर्ति को देखने पर उस मूर्ति पे क्या हुआ, एक ना दिखाई देने वाला एक पत्थर उड़ के आकर उस मूर्ति को क्या कर दिया, पूरी तरीके से तोड़ दिया। वो मूर्ति कैसा बना था? सोना चांदी रूपा हर प्रकार के क्या बोलते हैं मजबूत वाले चीजों से, मगर एक अदृश्य वाला पत्थर आकर उसको क्या कर दिया, चूना चूना तोड़ दिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सुपर नेचुरल पत्थर, द स्टोन विच इज सुपर नेचुरली मेड। नहीं तो ओवरकमिंग, नहीं तो कॉन्करिंग स्टोन, ओवरकम करने वाला स्टोन। क्या हुआ जानते हो ना, वहां पे वो पत्थर आकर क्या कर दिया, पूरा सूरज चकनाचूर कर दिया। तो इसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है कि दानियल बोल रहा है यीशु मसीह के आते वक्त क्या होगा, हर हर राज्य हर देश चकना चकना चूर हो जाएगा। वो कब हुआ? रोमन साम्राज्य के समय में, रोमा साम्राज्य के समय में यीशु मसीह की क्या हुआ, एंट्री हुई। आया ना? इसीलिए राजकीय तत्व की शुरुआत कब हुई, बाबिलोनी से शुरुआत होकर रोम में आकर एंड हो गया, बाबिलोन टू रोम। वो है वो मूर्ति की विवरण, बाबिलोन की राज्य से शुरुआत होकर रोमन साम्राज्य तक आकर खड़ा हो गया, बड़ा चट्टान बनकर खड़ा है, बड़ा एक मूर्ति बनकर खड़ा है। उस मूर्ति को तोड़ने के लिए अदृश्य रीति से आया हुआ पत्थर यीशु मसीह है। छोटा सा पत्थर एक बड़ा मूर्ति को गिरा सकता है, अगर वो पत्थर यीशु मसीह है तो नियुक्त रीति से गिरा सकता है। अगर छोटा सा एक पत्थर गोलियात को गिरा सकता है तो परमेश्वर यीशु मसीह जो पत्थर है, वो पत्थर भी कोई भी मूर्ति को भी गिरा सकता है। हेलो, दाऊद ने गोलियत के सामने युद्ध करने के लिए जाते वक्त जैसे उसने क्या किया, पांच पत्थरों को चुना, पांच में से एक ही उसने उपयोग किया। देखो क्या भरोसा है उसका, क्या विश्वास है उसका, क्या परमेश्वर के ऊपर आश्रय। ये छोटा पत्थर काफी है गोलियत जैसा एक महापुरुष को नीचे गिराने के लिए, ये छोटा पत्थर काफी है। हेलो, शैतानिक शक्तियों के सामने तेरा सामर्थ्य में से कुछ एक छोटा पत्थर काफी है शैतान को गिराने के लिए। शैतानिक साम्राज्य के सामने तेरा छोटा सा विश्वास काफी है शैतानिक साम्राज्य को गिरा डालने के लिए। तेरा परमेश्वर के आश्रय वाला उसे छोटा सा पत्थर काफी है। क्यों? वो पत्थर सुपर नेचुरली बना गए बन जाएगा। क्यों? तेरा विश्वास है, तेरा आश्रय परमेश्वर के ऊपर होने से। इसीलिए यहां का सुपर नेचुरल पत्थर कौन बन गया, यीशु मसीह बन गया। इसीलिए यीशु मसीह यहां पे दानियल क्या विवरण कर रहे हैं, अरे जो पत्थर आएगा वो पत्थर ही टिके रहेगा। इसलिए यीशु मसीह का इंट्रोड्यूस होने के कारण सब राज्य का क्या हो गया, चकनाचूर हो गया, परमेश्वर की राज्य की स्थापना हो गई। द किंगडम ऑफ गॉड स्टार्टेड एस्टैब्लिश्ड सुपर नेचुरली। हेलो, बाकी सब राज्य कुछ काम का नहीं रहा, उसके बदले किसका राज्य खड़ा हो गया, परमेश्वर की राज्य, स्वर्ग राज्य। आज भी उस स्वर्ग राज्य की क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। बाकी सब राज्य की कमती होते वक्त मेरा परमेश्वर जो सुपर नेचुरल राज्य बना रहे हैं, जो सुपर नेचुरल पत्थर मेरा यीशु मसीह है, वो यीशु मसीह जो इंट्रोड्यूस किया हुआ स्वर्गीय राज्य, पर नहीं तो स्वर्ग राज्य परमेश्वर की राज्य, उस राज्य की बढ़ोतरी आज भी हो रही है।
आज भी पृथ्वी के लोग उस राज्य में प्रवेशवान हो रहे हैं। इसके विरुद्ध कोई खड़े नहीं हो सकता। उसके बारे में दानियल बता रहा है, ही सच ए सुपर नेचुरल स्टोन। यीशु मसीह उस अद्भुत पत्थर है। वो पत्थर क्या हो गया, एक बड़ा सा क्या बन गया, माउंटेन बन गया। हेलो, इसलिए आज हमें मालूम करने वाले अनुभव, हमें परमेश्वर कलीसिया के अंदर योग्यवान क्यों दिए, ताकि हमारे अंदर बहुत सारे राज्य थी, बहुत सारे राज्य में हम लोग सदस्य थे। उस राज्य को चुकना चूर करके परमेश्वर हमें परमेश्वर के राज्य में मिलाए। इसीलिए परमेश्वर के राज्य में एक ही राजत्व, परमेश्वर की राजत्व, यीशु मसीह की राजत्व ही। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरी अनुगमन करना चाहता है वो क्या करना चाहिए, अपने आप को, अपने सब कुछ को क्या करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। छोड़ना मतलब उसका अर्थ क्या है, लिविंग ऑल प्रायोरिटीज अपॉन जीसस। यीशु मसीह के ऊपर सब प्रायोरिटी उसको देकर यीशु मसीह को तेरा नंबर वन बनाना, नंबर वन प्रायोरिटी बनाना। ऐसा है तो तू सब कुछ को तू क्या कर सकता है, सुपर नेचुरली ओवरकम कर सकता है। इसीलिए ना यीशु मसीह के साथ क्रूसार्पण होते वक्त एक चोर ने कहा, परमेश्वर तेरी राज्य जब आएगा मुझे क्या करना है, एक बार याद करना, जस्ट रिमेंबर मी लॉर्ड व्हेन यू आर बैक टू योर किंगडम। उसको कैसे पता चला, यीशु मसीह का क्रूसार्पण देख देख कर आया हुआ व्यक्ति था कौन, वो चोर। इसलिए हमें मालूम करा था, क्रूसिफिकेशन ऑफ क्राइस्ट कैन मेक यू एन अटेम्प्ट टू बी ए पार्ट ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। यीशु मसीह की क्रूसार्पण तूने देखा है, तूने पहचाना है, तूने जाना है, तू तो उसमें तू हकदार बन गया। इफ यू आर ए फेलोशिपर इन द क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, किंगडम ऑफ गॉड इज ओपन फॉर यू। परमेश्वर के राज्य तेरे लिए खुला है। जब परमेश्वर के राज्य तेरे लिए खुला है, विपरीत तौर पर जो कुछ भी राज्य है उस राज्य को परमेश्वर तोड़कर ही तुझे उस राज्य में लेंगे। इसलिए दानियल की किताब दूसरी अध्याय 45 में हमने देखा वो कैसी पत्थर है, सुपरनैचुरल स्टोन, सुपरनैचुरल स्टोन। वो कौन है, यीशु मसीह है। वो पत्थर कैसा लिखा गया, अदृश्य रीति से दिखाई दिया, मिरेकली केम। दानियल को उस चीज की रेवलेशन कहां से मिली, दानियल को कैसे पता चला, क्योंकि दानियल एक प्रार्थना वीर था, दानियल एक परमेश्वर के ऊपर आश्रयवान व्यक्ति था, पवित्र आत्मा में भर्ती हुआ एक व्यक्ति था, अन्य भाषा की विवरण जानने वाला एक व्यक्ति था, अन्य भाषा बोलने वाला एक व्यक्ति था। आया ना, नहीं तो वो कैसे बोल सकता, मैंने तक्के लुफ्रासी कैसे बोल सकता, इट्स ए अननोन लैंग्वेज। उसी रीति से इसने क्या किया, सुपरनैचुरली यीशु मसीह के बारे में वर्णन बता रहा है। इसीलिए दानियल के पुस्तक और रेवलेशन एक साथ मिल गया। हेलो, आज एक चीज मुझे बोलने के लिए है कि अगर तेरा भरोसा पवित्र आत्मा के साथ है, तेरे जीवन की शिक्षण पवित्र आत्मा से तुझे मिल रही है, इफ यू आर इक्विप्ड विद द वर्ड ऑफ गॉड, इफ यू आर विद द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की भरपूरी से है, इफ द गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट इज इन एक्टिंग इन यू, तेरे अंदर पवित्र आत्मा की गिफ्ट अगर काम कर रहा है, यू आर ए मिस्ट्री मेकर एंड रेवलेशन डीलर।
रेवलेशन के बारे में बोलने वाले, रहस्यों के बारे में वर्णन करने वाला, एक बिजनेस तेरे हाथ में परमेश्वर सौंपेंगे। दैट्स द थिंग हैपन टू डैनियल। डैनियल को वही चीज हुआ, ही रिवील्ड मिस्ट्रीज, ही गेव रेवलेशन। वो रेवलेशन देना शुरू किए। वो किसके बारे में? यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है। मुझे आश्चर्य लग रहा है, ये बोलते वक्त भी राजा उसको मारने नहीं बोल रहे। दानियल ये चीज जब बोलता है, किसको? राजा को ही बोल रहा है, राजा तेरा साम्राज्य सब टूट जाएगा, एक अदृश्य साम्राज्य आने वाला है, वो यीशु मसीह का है। बोलते वक्त भी दानियल को समझ में आएगा, मगर वो राजा उल्लू था, उसको समझ में नहीं आया। हेलो, इसीलिए आज उस सुपर नेचुरल स्टोन को आज तुम एक्सेप्ट कर लो, फायदा ही होगा। He will make your life supernaturally blessed. तेरा जीवन आशीषमय रूपी से बदल देगा। He will make everything supernaturally equipped. तेरे जीवन को पूरी तरीके से आत्मिक तौर पर बनाएगा। अब पहली कोरिंथिया 10वां अध्याय उसकी 4वां वचन, फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 10 वर्स 4, 10 की 4। हाँ, हेलो, वो चट्टान कौन था? पानी देने वाला चट्टान। हेलो, ही गिव्स वाटर, आत्मिक पानी, स्पिरिचुअल वाटर, स्पिरिचुअल फूड, स्पिरिचुअल वाटर, स्पिरिचुअल। आत्मिक फूड क्या थी? मन्ना। तीसरी अध्याय अगर पढ़ते हैं तो देख सकते हैं, मन्ना उनको दिया गया था। फिर क्या दिया गया? स्पिरिचुअल वाटर, स्पिरिचुअल ड्रिंक। कहां से उनको पानी मिला? चट्टान से। कभी चट्टान पानी देता है क्या? हेलो, चट्टान कभी पानी देता है क्या? चट्टान ऐसा एक चीज है। चट्टान चट्टान कब बनता है? एक चट्टान चट्टान कैसे बनता है? हाउ इज ए रॉक फॉर्म्ड? बोले नहीं, ना ना ना, एक स्थान पे पड़े रहने से वो चट्टान नहीं बनता। नहीं, चट्टान किस चीज से बनी रहती है? हेलो, चट्टान मिट्टी है। तो मिट्टी, मिट्टी में पानी का मिश्रण होकर जब पानी का सूखा हो जाता है तब ये मोटा बन जाता है, तब ये स्ट्रांग बन जाता है, तब वो पानी बन जाता है, तब वो चट्टान बनता है। आया ना? नहीं तो मिट्टी पत्थर को तोड़ो क्या मिलेगा तुमको? रेती, रेती, रेती बोलते हैं ना, बालू, बालू, हाँ बालू ना, बालू को भी पाउडर कर दो क्या मिलेगा? मिट्टी, मिट्टी। तो ये मिट्टी, मिट्टी रेती बनकर रेती पत्थर बनने का जो प्रोसेस है कब हुआ? जब उसके अंदर पानी की प्रेजेंस थी। मगर जब वो पानी की प्रेजेंस धीरे 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 निकलना शुरू हो गया तब वो क्या हो गया? एक पत्थर बन गया। पत्थर बन गया तो उसमें क्या नहीं है? थोड़ा भी पानी नहीं मिलेगा। ऐसा पत्थर के अंदर से परमेश्वर क्या निकाले? पानी निकाले। ऐसे चट्टान के अंदर से परमेश्वर क्या निकाले? पानी, स्पिरिचुअल ड्रिंक, आत्मिक पानी। किसके लिए? इसराइलियों के लिए। आज कहीं भी दुनिया में चट्टान पानी नहीं देता है, चट्टान पानी नहीं देता है, मगर पहाड़ के अंदर से पानी निकलता है। पहाड़ के अंदर से झरना, झरना बोलते हैं, आया ना? वो पत्थर के अंदर से नहीं आ रहा है, पत्थर के बीच से आता है।
मगर यीशु मसीह क्या कहता है, पत्थर के अंदर से, वो पत्थर कौन है? यीशु मसीह है। अरे तेरा आसरा यीशु मसीह के ऊपर होने से तेरा स्पिरिचुअल नीड्स ही नहीं, तेरा नेचुरल नीड्स भी फुलफिल होगा। तेरे को फूड चाहिए, तेरे को पानी चाहिए, परमेश्वर फुल करेंगे, ही विल फिल यू। इसीलिए यीशु मसीह ने वो सर योहन्ना के सुसमाचार तीसरी अध्याय में क्या बोला, मैं जो पानी देता हूं वो पानी पीने से कभी भी तुम क्या नहीं होगे, थर्स्टी नहीं होगे, यू विल नेवर बी थर्स्टी। क्यों? परमेश्वर जो देते हैं वो स्पिरिचुअल चीज है, स्पिरिचुअल चीज मिल जाने से, आत्मिक चीज मिलना मिल जाने से जागतिक चीजों का भी क्या होगा, पूर्ण होगा। Natural things will also be fulfilled when there is a spiritual supply. इसराइलियों को परमेश्वर कहां पे दिया ये पानी? हाँ, मरुभूमि में। अरे मरुभूमि में पानी मिलना मुश्किल है। Even in your wilderness, तेरी मरुभूमि में परमेश्वर तेरे को पानी दिलवा सकते हैं। वो मेरा परमेश्वर है, That's my God. मैं तेरी मरुभूमि के परिस्थिति में भी वो तेरी आत्मिकता को कायम रख सकता है। ही इज ए गॉड हु मेक्स इवन इन योर विल्डरनेस, ही मेक्स वाटर ड्रॉ आउट टू फुलफिल योर स्पिरिचुअल ड्राइव। तेरी आत्मिक तत्व को कायम रखने के लिए मरुभूमि में पानी निकलने वाला परमेश्वर वो चट्टान यीशु मसीह है। ही इज अ रॉक विच गिव्स वाटर। नो, अभी मत्ती लिखित सुसमाचार 21वां अध्याय उसकी 40वां वचन, मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 40। फिर उसके बाद देखो ना, यीशु मसीह यहाँ पे एक उदाहरण देके बता रहे हैं। किसको? लोगों को एक उदाहरण बता रहे हैं कि उसका 33 एक बार पढ़ के देखो। हाँ, देखो यीशु मसीह एक दृष्टांत बोल रहे हैं। यीशु मसीह ने सब कुछ करने के बाद किसी एक व्यक्ति के हाथ में हवाला देकर यीशु मसीह चले गए, नहीं तो मालिक चले गए। चला जाने के बाद वापस आते हैं, वह क्या किए? उसके बेटे को भेजे, उसके बेटे को क्या कर दिए? पीट के भेज दिए, मार दिए। तब यीशु मसीह उसके 40वां वचन में क्या बोल रहे हैं? आएगा क्या करेगा? हाँ, बस उसके बाद 42 हाँ, यस हो गया। उसके बाद हाँ, ये प्रभु की ओर से हुआ, ये सृष्टि में क्या है? अद्भुत है। उस रीति से यीशु मसीह ने अपना सेवकाई कंप्लीट किया, मगर बहुत सारे लोग यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं किए। मगर जो एक्सेप्ट किया उनके लिए सब कुछ परमेश्वर क्या कर रहे हैं? वंडरफुल। इसलिए यीशु मसीह ये कॉर्नर स्टोन के बारे में यीशु मसीह खुद बोल रहे हैं, अपने बारे में खुद बोल रहे हैं।
मार्कोस के लिखा पत्रिका में भी लिखा है, लूकोस के पत्रिका में भी यही चीज को परमेश्वर क्या कर रहे हैं, अपने आप के बारे में दृष्टांत बोल रहे हैं। हेलो, तो भी लोग उसको क्या नहीं किए, पहचाने नहीं। इसलिए मेरे बोलने का मतलब, यीशु मसीह क्या बन गए, फाउंडेशन बन गए। यीशु मसीह बहुत लोगों का फाउंडेशन बन गया है, यीशु मसीह बहुत लोगों के लिए कॉर्नरस्टोन बन गए, यीशु मसीह बहुत लोगों के लिए रुकावट वाली पत्थर बन गए, यीशु मसीह बहुत लोगों के लिए सुपरनेचुरल स्टोन बन गए, यीशु मसीह बहुत लोगों के लिए वो पत्थर बन गए, आत्मिक पानी देने वाला पत्थर बन गए। यीशु मसीह क्या बोले, बहुत लोगों के लिए दृष्टांत बनकर बताए, तो भी लोग उसको क्या नहीं कर रहे हैं। एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हेलो। अब एपीसीओं का किताब दूसरा अध्याय उसका 22वां वचन, द बुक ऑफ एफिशियंस 2:22। एक साथ किसके साथ, परमेश्वर के साथ बनाए जाते हो, क्यों, ताकि तुम्हें आत्मा के साथ क्या बनने के लिए, ड्वेलिंग रहने से के लिए। हेलो, 22वां वचन क्या कर रहा है, तुम्हारा फेलोशिप आत्मा में होने के लिए, टू हैव ए फेलोशिप एंड ए ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड इन स्पिरिट। इसीलिए हमें परमेश्वर बना रहे हैं, एक समान बना रहे हैं, कैसे, यीशु मसीह में। जब हम यीशु मसीह में बने रहते हैं, मैं, मेरे साथ वाला भाई, मेरे कलीसिया के सदस्य सब एक साथ मिलकर क्या बना रहे हैं, एक ड्वेलिंग प्लेस बना रहे हैं, परमेश्वर के लिए निवास योग्य एक स्थान बना रहे हैं। वो स्थान कैसी होती है, इन स्पिरिट, आत्मा में। कलीसिया की बनावट ही आत्मा में, तो कलीसिया के सदस्य भी क्या होना चाहिए। हाँ, वो अंडरस्टूड है, इफ यू आर टुगेदर इन द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड इन द स्पिरिट, अगर तुम एक साथ बनाए गए, एक साथ जुड़ित किया गए परमेश्वर के क्या बोलते हैं, निवास योग्य स्थान में, आत्मा के द्वारा बनाए, आत्मा के द्वारा रखा गए हो, बनाए गए हो, तो वो कलीसिया जब भी मिलती है, आत्मा की प्रजोदन दिखाई देनी चाहिए, तो ही वो फाउंडेशन करेक्ट है बोल सकते हैं। हेलो, कलीसिया के फाउंडेशन के लिस्ट में तीसरा वाला हिस्सा है पवित्र आत्मा का। पहला वाला क्या है, मन फिराओ, दूसरा बपतिस्मा, तीसरा पवित्र आत्मा में पूर्ण होना, फाउंडेशन है। ऐसे सात फाउंडेशन है, प्रेरितों का किताब दूसरी थी, दूसरा और तीसरा अध्याय अगर पढ़ेंगे तो देखेंगे सात फाउंडेशन है कलीसिया की। इसीलिए परमेश्वर हमें जुड़ित किए कलीसिया में, क्यों, आत्मा में जुड़ित किए, तो ऐसा है तो हमारी संगति भी आत्मा के अंदर होनी चाहिए, विद द फ्रूट ऑफ स्पिरिट, विद द गिफ्ट ऑफ स्पिरिट। ऐसे हैं तो हम यीशु मसीह में बने हैं बोल सकते हैं, वी आर बिल्ट टुगेदर इन जीसस, दैट्स अ प्रूफ। हेलो, घर किससे बना है नहीं पता करने के लिए क्या करना चाहिए, मेरे साथ हो, घर किस चीज से बना है पता करने के लिए क्या करते हैं जानते हो, ओ या नहीं, ऐसे बोलने से समझ में नहीं है। रास्ता बनाने के बाद रास्ता किस चीज से बना है चेक करने के लिए कौन आता है,
हाँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आता है, वो क्या करेगा जानते हो ना, रास्ते पे आकर खुदाई शुरू करेगा। जब खुदाई करेगा कॉन्ट्रैक्टर क्या बोलेगा, ए मत खोदो मत खोदो। जब आईडी कार्ड दिखाएगा तब कॉन्ट्रैक्टर के मुंह बंद। आईडी कार्ड दिखाते वक्त कॉन्ट्रैक्टर के मुंह बंद। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को जहां पसंद है वहां पे वो क्या करेगा, खुदाई करेगा। वो खुदाई भी कैसे करेगा जानते हो ना, मनमर्जी खुदाई नहीं। वो ऐसा खुदाई करेगा कि ये रोड के लिए कितना लेयर, क्या क्या यूज किया गया, कितना मात्रा में यूज किया गया, उसका फ्रीक्वेंसी रेट और यूसेज पूरा डिटेल ही निकालेगा। उसकी एक खुदाई में पता चल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा है तो एक घर किस चीज से बना है उसको भी वेरीफाई करने वाले लोग हैं या नहीं? ये है ऑब्वियसली। उसी को हम क्या बोलते हैं, इंजीनियर बोलेंगे, हाउस प्लानिंग इंजीनियर, जो घर की प्लानिंग करके देता है वही इंजीनियर आएगा चेक करने के लिए। हर एक चीजों को वो चेक करेगा। अगर बड़े बड़े फ्लैट्स बनाए हैं तो देखना है तो पता चलेगा। हमारे छोटे छोटे घर को बनाते वक्त हमको नहीं मालूम, बड़े बड़े फ्लैट्स जब बनाते हैं वो लोग वेरीफाई करके, मैंने देखा है। मैं जब केरल में था तब मैंने देखा है, थोड़ा डाइवर्शन होने के कारण तोड़कर फिर से बनाने के लिए बोला। वैसे 7 बार उसने बनाया, वो बोला परफेक्शन चाहिए काम में। समझ रहे हो मेरी बात? इसीलिए एफिसिया की किताब 2 अध्याय 22वां वचन के हिसाब से कलीसिया की बनावट पवित्र आत्मा के द्वारा हो रहा है, तो बनाने का काम भी किसका होना है। हाँ परफेक्टली ट्रू। क्योंकि बीच बीच में हमारे अंदर क्या निकल आ सकती है, शारीरिकता निकल आ सकती है। शारीरिकता समझ समझ में आती है, शारीरिक तत्व। इसीलिए उसको तोड़ने के लिए पवित्र आत्मा की फेलोशिप हमें जरूरत है। कलीसिया के अंदर फले द स्पिरिचुअल फेलोशिप ऑफ द स्पिरिट, पवित्र आत्मा की संगति का। क्यों? डिफेक्ट पता करने के लिए, तो ही पता चलेगा कि बना किससे है। जीवते पत्थर है कि मरे पत्थर है? मरे पत्थर को निकालकर जीवते पत्थर को ऐड करना जरूरी है, तो ही कलीसिया रुक सकता है। वो है फाउंडेशन, दैट्स द रियल फाउंडेशन ऑफ द चर्च। वही है कलीसिया की फाउंडेशन। इसीलिए आज हम अपने फाउंडेशन को एक बार परमेश्वर के सन्निधि में एक बार समर्पण करेंगे, प्रार्थना करके आज की सभा को, आज की वचन की घोषणा को हम बंद करें। ये वचनों के द्वारा परमेश्वर आशीष करें। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज सुबह के समय तेरे वचनों के साथ हम मिलकर एक साथ परमेश्वर हमारे जीवन को परीक्षा कर रहे हैं। परमेश्वर अनेकों को परमेश्वर आप स्टम्बलिंग स्टोन बने, क्योंकि आपके ऊपर आश्रयवान ना होने पर अनेकों के लिए परमेश्वर आप रेवलेशन की स्टोन बने, आप सुपर नेचुरल स्टोन बने। अनेकों के लिए परमेश्वर आपने क्या किया, जीवित पत्थर बने, पानी देने वाला पत्थर बने। अनेकों को परमेश्वर सहायक मनवाने वाले कॉर्नर स्टोन बने। हमें भी वैसे ही कलीसिया के अंदर योग्यवान किए हो, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। हमारे इस कलीसिया को हम भी आत्मा के द्वारा परीक्षा कर रहे हैं, आइदर हम अच्छे जीवित पत्थर से ही बने हैं या मरे हुए पत्थर बन गए हैं। अगर मरे हुए पत्थर है हमें जीवित पत्थर बनाइए बोलकर आज परमेश्वर के सन्निधि में समर्पण कर रहे हैं। परमेश्वर ऐसा बनाया इसीलिए धन्यवाद देते हैं। आदर और महिमा सब कुछ आपके हाथ में हम सौंपते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन।